हेलो फ्रेंड, कैसे हैं आप। स्वागत है आपका मेरी चैनल पर। आज मैं आपके लिए लाई हूँ किचन की कुछ प्रोडक्ट्स से। अमेज़ॉन से आपको ये परचेस कर सकते हो। मैंने सारी लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दी है। तो फिर देर ना करते हुए वीडियो को शुरू करते हैं। तो मेरी पहली प्रोडक्ट है ये रैक, जिस पर आप बच्चों के टॉयज वगैरह हो या फिर अपना सामान हो, टिश्यू वगैरह हो या फिर कुछ भी स्टोर करना है तो आप इसे स्टोर कर रख सकते हो। ये छोटी बड़ी साइज़ में आपको अमेज़ॉन पर मिल जाएगा और इसका फाइबर बड़ा ही मजबूत आता है, इसलिए ऊपर बैठने पर भी कुछ भी नहीं होता। अब नेक्स्ट आइटम है ये किचन रैक, जिस पर आप किचन के बर्तन वगैरह है या फिर सब्जी वगैरह हो तो कुछ भी रख सकते हो। और ये छोटी बड़ी साइज़ में हो सकता है, फोल्डेबल है और ऊपर भी इसके आप ऐसा ही दूसरा रख सकते हो। किचन के वार्ड में भी इसे एडजस्ट करके रख सकते हो, कई सारी चीज़ें एक साथ रह जाएगी इसमें। और इसका मटेरियल भी मजबूत आता है, इसलिए वजनदार वस्तु भी इसमें रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स, जिस पर आप कुछ भी स्टोर कर सकते हो, इवन लिक्विड हो तो भी इससे गिरता नहीं है। एयरटाइट ढक्कन के साथ ये मिल जा रहा है अमेज़ॉन पर। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये बच्चों के टॉय वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं, तो ये एडजस्टेबल बॉक्स है, जिस पर आप एडजस्ट करके बच्चों के टॉय वगैरह रख सकते हो और वजन में भी बिल्कुल लाइट है। और इसे फोल्ड कर भी एडजस्ट करके आप कहीं भी रख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ये आपकी कॉस्मेटिक चीज़ें हो गई या फिर स्प्रे वगैरह हो तो ये ट्रांसपेरेंट बॉक्स आपको मिल जा रहा है अमेज़ॉन पर। छोटी बड़ी कोई भी साइज़ आपको मिल जा रहेगी और इसमें एक ढक्कन भी आता है और मजबूत है ये बॉक्स। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रॉली, किचन ट्रॉली है ये, जिसमें रोटेटेबल है और 5 से लेके 3 तक आपको मिल जाएगी। इसे एडजस्ट कॉर्नर पर आप कर सकते हो। इसमें किचन का कोई भी सामान, ग्लास वगैरह या फिर आपके बर्तन वगैरह आप एडजस्ट करके रख सकते हो। अब नेक्स्ट है ये फुट मसाजर, जो बहुत ही बेहतरीन प्लास्टिक में आता है। इसे लाइफ टाइम कुछ भी नहीं होगा। इसमें आप गर्म पानी डालकर अपने पैरों को मसाज कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम है ये पैन रैक, जो किचन में आप एडजस्ट करके रख सकते हो और ये फोल्डेबल है। इसमें इस तरह से आप हुक लगाकर पैनों को एडजस्ट कर सकते हो। इसमें छोटे बड़े सारे पैन एडजस्ट हो सकते हैं। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये मल्टी हैंगिंग हैंगर, जिसमें आप अपने शर्ट वगैरह एडजस्ट करके रख सकते हो। अपने वार्ड में जगह सेव करने में भी काफ़ी हेल्पफुल है ये। अपने शर्ट वगैरह, दुपट्टा वगैरह इसमें आप रख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये मॉप एंड बाथरूम रैक, जिस पर आप अपने बाथरूम के मॉप वगैरह होल्डर करके रख सकते हो। ब्रश वगैरह काफ़ी अच्छी तरह से इसमें रह जाएगा। अब इसके बाद की नेक्स्ट आइटम है आपके वार्ड में प्लास्टिक वगैरह इधर उधर फैले रहते हैं तो इस तरह की जाली आप बीच में लगा दो और बॉक्सेस वगैरह कर दो तो ये बहुत ही आसान रहेगा, चीज़ें अच्छी तरह से आप ऑर्गेनाइज करके रख सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये वायर रैक, जिस पर आप ट्रॉली जैसा दिखता है, जिसमें बच्चों के खिलौने वगैरह, बर्तन वगैरह किचन में रह सकती है तो। और इस पर एक के ऊपर एक आप एडजस्ट करके रख सकते हो। इसके व्हील भी ज़बरदस्त आते हैं ताकि इसे वजनदार वस्तु हो तो भी इसे कुछ ना हो। इसके बाद नेक्स्ट है ये ग्लास वगैरह हो, बोतल वगैरह तो इसका ब्रश है, अंदर तक जाके साफ कर देता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये मोबाइल स्टैंड, जिसमें मोबाइल के साथ मोबाइल की सारी चीज़ें, चार्जर वगैरह, पेन वगैरह रह सकता है, जिसे स्टिक करना बहुत ही आसान है। अब इसके बाद की नेक्स्ट आइटम है ये ब्रश, जिस पर आप अपनी खिड़की के जाली वगैरह, पर्दे वगैरह अच्छे से क्लीन कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये टैप स्टैंड, जिस पर आप घुमाकर सिंक वगैरह, डिश वगैरह कुछ भी वॉश कर सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये शॉवर होल्डर, जिसमें आप शॉवर को स्टैंड कर रख सकते हो और अपने सारी चीज़ों को इस तरह से वॉश कर सकते हो। अब नेक्स्ट है ये सोप स्टैंड, जिस सोप को स्टैंड कर सकते हो, जिसमें जाली जैसा आता है इसलिए पानी सारा इसका नीचे गिर जाता है, इसमें बोतल भी रह जाती है। अब है हैंगिंग रैक, जो आपको बाथरूम में काफ़ी काम आएगा, इस तरह से आप इसे स्टैंड कर सकते हो, कोई भी हुक वगैरह लगाने की ज़रूरत नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट आइटम है
शूज़ करेक्टर, जिस पर आप शूज़ आपके फट गए हो तो इसे करेक्ट करना बिल्कुल आसान रहेगा। इसके पीछे इस तरह से ऐसे शू के मटेरियल की ही जाली मिल जाएगी, तो इस तरह से लगा के आप एडियो को भी बचा सकते हो। अपने इसके बाद नेक्स्ट है क्राफ्ट कटर, जिससे आप कोई भी पेज हो या फिर कुछ भी हो तो कटिंग करना बहुत ही आसान रहेगा। इसमें एक शार्प ब्लेड आती है जो छोटी बड़ी भी हो सकती है। अब इसके बाद नेक्स्ट है बाथ मैट, जिस पर आराम से आप अपने पग वगैरह लूच कर आगे बढ़ सकते हो। अपने बाथरूम के पास इसे लगा दो, ये नीचे भी चिपक जाएगा और ये इधर उधर खिसकता भी नहीं है। अब इसके बाद नेक्स्ट है एयर ड्रायर, जिस पर ऐसा कैप जैसा बन जाता है, इसमें बटन भी आते हैं। इसके बाद नेक्स्ट है ये टूथपेस्ट होल्डर, जिस पर आप दीवार में इस तरह से एडजस्ट करके टूथपेस्ट ऑर्गेनाइज कर सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है ये ट्रांसपेरेंट बॉक्सेस, जिस पर आप कुछ भी अरेंज कर सकते हो, अपने किचन की चीज़ें हो, अपने वॉर्डरूम के रुमाल वगैरह हो, अपने क्लोथिस वगैरह इसमें एडजस्ट करके रख सकते हो। इसके बाद नेक्स्ट है ये कटर, जो लिंट रिमूवर है और डस्ट कलेक्ट करने में काफ़ी मददगार है। इसके बाद नेक्स्ट है ये छोटी बड़ी साइज में स्पूनों का सेट, जो आपको मिल जा रहा है इस वक्त अमेजोन पर। अब इसके बाद नेक्स्ट है सूरेक, जिसकी बॉडी ट्रांसपेरेंट है। अब इसके बाद नेक्स्ट है रोटेटिंग ट्रे, जिस पर किचन की छोटी बड़ी सारी बोतल एडजस्ट किए जा सकते हैं और इसे लेना भी आसान है। अब इसके बाद नेक्स्ट है मल्टी पर्पज़ कटर, जिस पर आप आराम से कुछ भी कटिंग कर सकते हो, छोटी बड़ी साइज़ में एक वगैरह हो तो वो भी डाल सकते हो। इसमें काफ़ी शार्प ब्लेड आती है और लहसुन वगैरह भी क्रश कर सकते हो, सन जूस भी वगैरह निकाल सकते हो। अब इसके बाद नेक्स्ट है ये मोबाइल होल्डर, जो छोटी बड़ी साइज़ में हो सकता है और इसको आप खड़ा भी रख सकते हो और इस तरह से तिरछा भी रख सकते हो, घुमा सकते हो। इसके बाद की नेक्स्ट आइटम है शू ड्राइंग हैंडिंग, जो आप आराम से धूप में भी खिसकाने में ये हेल्प करता है और शू को ड्राई करने में मदद करता है। इसके बाद नेक्स्ट है ये जाली, जिस पर आप सिंक की कोई भी ऐठन जूठन निकाल कर इकट्ठा कर सकते हो अपने डस्टबिन में, और ये सिलिकॉन मटेरियल की बनी हुई है। आई होप आपको मेरी वीडियो पसंद आई होगी। अगर आपको मेरी वीडियो पसंद आई है तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलना। चलिए तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय। और ऐसी ही वीडियो मेरी चैनल पर रोज़ आती रहती है। थैंक यू फॉर वॉचिंग।